से में आपका स्वागत है। आज हमने दशहरे के मेले में मिलने वाले गोभी के पकोड़े बनाए हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, अंदर से भी कुरकुरे हैं और बिल्कुल ऑयल नहीं आ रहा। ये देखिए हाथ में ऑयल बिल्कुल नहीं है। और हमने स्पेशल इसके लिए चटनी बनाई है जो हलवाई लोग हमें मेले में देते हैं। तो दशहरे के मेले में मिलने वाले स्पेशल गोभी के पकौड़े वो हम आज बनाना सीखने वाले हैं। आइए बनाना सीखें। गोभी के पकोड़ों के लिए हम गोभी का फूल लेंगे। सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे, इसके डंठल हटा देंगे। इस तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया और तेज गर्म पानी करेंगे। एक पैन में हमने पानी उबलने रखा है, इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि गोभी में कीड़े का हमेशा खतरा बना रहता है। तो गोभी हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसके लिए हमने तेज गर्म पानी कर लिया है और इसमें हम पूरी जो हमने साफ़ की थी गोभी उसको साबुत का साबुत हम इसको इसमें एक मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी होगी वो भी बाहर आ जाएगी और अगर कीड़े होंगे तो वो भी सारे बाहर आ जाएंगे। गोभी का फूल हमें इसमें डाले 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसको बाहर निकाल के 2-3 पानी से हम इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो देंगे। फूल हमने अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल साफ़ है, इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं निकला है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कर लेते हैं। हमने गोभी को साफ़ कर लिया है और इस तरीके से टुकड़े कर लिए। आप या तो किसी ग्लास से या इस तरीके के फूड प्रोसेसर से या किसी भी फूड प्रोसेसर से आप इसके बारीक इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे। हमें इस तरीके का चाहिए बारीक चूरा, जूस ना निकल पाए, बस इस तरीके के बारीक टुकड़े हमको करने हैं। तो हम इससे सारे हमारे टुकड़े कर लेते हैं। हमने इसका बारीक टुकड़े कर लिए, बिल्कुल चूरा कर लिया है गोभी का। इसके लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जीरा ले लिया है, अजवाइन ले ली है, साबुत सौंफ ले ली है, साबुत धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्ची पाउडर, हींग, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची, धनिया और अदरक और आवश्यकता अनुसार बाइंडिंग के लिए बेसन। बाउल में हम एक बड़े बाउल में गोभी का ये चूरा ले लेंगे, सारे सूखे मसाले, जीरा, अजवाइन, सौंफ, साबुत धनिया। साबुत धनिया की मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा रखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। गरम मसाला, मिर्ची, नमक स्वादानुसार, मिर्ची भी स्वादानुसार, और हींग भी अच्छी मात्रा में डालेंगे। हींग डाल देंगे और इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। इसी में हम हरी मिर्ची डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, अदरक डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब गोभी में हमारे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है तो हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। बेसन जो है वो सिर्फ गोभी हमारी बाइंड हो जाए इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा बेसन हमको नहीं डालना है। तो ये इस तरीके से हम इसको करेंगे।
अब इसका कोई फिक्स नाप नहीं बता सकते क्योंकि इसमें धनिया है वो भी पानी छोड़ेगा, हरी मिर्ची में भी पानी है और गोभी को जब हम इस तरीके से रब कर रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी पानी होता है, तो ये पानी सारा ऑब्जर्व कर लेती है। तो हमको बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। ये देखिए बिल्कुल हमारी गोभी का पानी इस बेसन ने सोख लिया है। अब 1 टीस्पून हम इसमें पानी डालेंगे ताकि बेसन जो है हमारा थोड़ा सा फूल जाए। तो 1 चम्मच हम टीस्पून हम पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। ये पकौड़ों का डो हमारा तैयार है, ज़्यादा हमको पानी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून हमने पानी डाला है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, ये इस तरीके से छोटे छोटे, बड़े बड़े, वैसे बड़े बड़े भी होते हैं, मैं मीडियम साइज़ के बता रही हूँ। ये इस तरीके से गोले बना लेने हैं हमको। हमारा मीडियम गरम हो गया है, मीडियम गरम तेल में हम जो गोले बनाए थे हमने गोभी के, उनको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। हमें ज़्यादा इनको पूरी तरीके से पकाना नहीं है, यही इसकी खास ट्रिक है कि इन पकौड़ों को हमें डबल फ्राई करना होगा। तो 1 से 2 मिनट हमको बस हल्की से ऊपर एक लेयर बन जाए, इतना ही हमको मीडियम गरम तेल में इनको फ्राई करना है। हल्के से फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम तेल को थोड़ा तेज गरम करेंगे, पहले हमने मीडियम गरम किया था, अब हम तेज गरम करेंगे। पकौड़े को हमने, ये गोला जो हमने निकाल लिया है इसको हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब इसको या तो हम इस तरीके से हाथ से दबा देंगे या कटोरी से या कपड़े से किसी चीज़ से लेके हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको हम इस तरीके से टिकिया के रूप में चपटा कर लेंगे। सभी को हम इस तरीके से दबा करके कर लेते हैं। इस तरीके से सारे गोलों को दबा करके टिकिया का शेप चपटे कर लिए हैं। तेज गरम हो गया है, तेज गरम तेल में हमें इनको डालना है और फिर कम आंच कर देनी है। पकौड़ों को हम मीडियम आंच पर अच्छा कुरकुरा होने तक पलट पलट कर फ्राई करेंगे। लोगों के लिए आज की टिप आप लोगों के लिए ये है कि इन पकौड़ों को हलवाई लोग जो हैं क्या करते हैं, जैसे हमने पहले तेज गरम तेल कर दिया, तेज गरम तेल में हमने इनको डबल बार जब फ्राई करने छोड़ा तो तेज करके फिर हमने मीडियम कर दिया। अब हमारे पकौड़े हो गए हैं मीडियम आंच पे, तो जब हम इनको निकालने लगेंगे तो हम वापस से तेज आंच पे 2 मिनट तक इनको पकाएंगे। इसकी खासियत ये है कि इससे ये तेल को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और बिल्कुल भी तेल वाले पकौड़े आपके नहीं बनेंगे। जब आप बाहर निकालेंगे तो इसमें तेल नहीं रहेगा, तो आप जब निकालने लगेंगे तब आप आंच को तेज कर देंगे। तो इस तरीके से तेज आंच करके निकालने से हमारे पकौड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं रहेगा और कुरकुरे पकौड़े बनेंगे। गोभी के पकौड़ों के साथ एक स्पेशल चटनी खाई जाती है, उस चटनी के बिना इस गोभी के पकौड़ों का कोई स्वाद नहीं होता है। तो देख लेते हैं हमें इस स्पेशल चटनी के अंदर किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। धनिया ले लिया है हमने, हरी मिर्ची ले ली है, अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है, अच्छी मात्रा में 10-15 कलियाँ हमने लहसुन की ले ली है, मैंने सूखा पुदीना लिया है, अगर आपके पास गीला पुदीना है तो वो ले सकते हैं, जीरा ले लिया है, नमक ले लिया है और एक ये पाउडर है, ये केत का पाउडर बोलते हैं, ये बड़ी किराना की दुकान पे मिलता है। ये फ्रूट होता है जिसको राजस्थानी लैंग्वेज में कोटोबड़ी भी कहते हैं, उसका पाउडर बाज़ार में मिलता है। अगर किराने वाले से बोलेंगे कि केत का पाउडर दो तो वो आपको इस नाम से दे देगा। इसकी मात्रा इसमें अच्छी रखने से खट्टापन आएगा और चिकनाहट आती है चटनी में और एक अलग ही टेस्ट और अलग ही खुशबू आती है। तो इन सब सामग्रियों को हम मिक्सी जार में डाल करके एक साथ बारीक पीस लेंगे। मिक्सी जार में पीस रहे हैं और आवश्यकता अनुसार हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसको बारीक पीसेंगे। मिक्सी में चटनी पीस करके तैयार है, अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके और पतला कर लेंगे। हमारी तैयार है, ये देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमारी चटनी हमें हो चाहिए, क्योंकि ये पकौड़ों के ऊपर डाल करके मेले में सर्व की जाती है, तो हम बिल्कुल बाजार जैसी स्टाइल में ही बनाने वाले हैं। इसलिए आप ये देखें, इसको पतली ही रखनी है अपने को चटनी। गोभी के पकौड़े बन करके तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत साफ़ सफाई तरीके से बने हैं। गोभी को हमने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया। जब आप इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो मेले में खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते।
लेकिन जो चटनी मैंने बताई है वो बिल्कुल डिट्टो जैसी हलवाई लोग बनाते हैं मेले में, वही वाला टेस्ट है और पकौड़ों का भी वही टेस्ट है। इसको फ्राई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको मीडियम पे फ्राई करना है, फिर जब डबल फ्राई करेंगे तो तेज आंच रखेंगे, बीच में मीडियम, और फिर जब निकालने लगेंगे तो तेज हमको आंच करनी है। इससे हमारे पकौड़े बहुत कुरकुरे अंदर तक फ्राई हो जाएंगे और बिना ऑयल के बनेंगे। तो आप इस तरीके से पकौड़े गोभी के बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।